पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो और आज हम आपको अपनी सारी गणेश जी की ड्रॉइंग्स दिखाने जा रहे हैं जो मैंने बनाई है। हाँ, जो इसने बनाई, जैसे कि ये ड्रो मैंने की है, पर डेकोरेट मम्मी ने की है मेरी। तो ऐसे ही हम आपको बहुत सारी ड्राइंग दिखाने जा रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। और अगर आपके मन में हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर देना। तो सबसे पहले ये है वॉल हैंगिंग, तो ये पेंटिंग बनाई थी, फिर हमने ये डेकोरेट करके इसको वॉल हैंगिंग बना दिया। और ये वाली ड्राइंग एनियाज स्कूल से बना के लाया था। और ये है चारकोल पेंसिल से बनाई हुई ड्राइंग, स्केच मतलब। और ये सिंपल शेडिंग से बनाया हुआ स्केच गणेश जी का। और जो ये वाली ड्राइंग है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो हमारे एक पहले हमने चैनल बनाया था पहले, तो उससे हमें ये आइडिया आया था, उस पर हमने ये वीडियो डाली थी कि हमें एक अपना आर्ट का चैनल बनाना चाहिए। और ये देख लो कितनी ज़्यादा क्यूट सी है, ब्रश पेन से बनाई हुई है ये। और ये देख लो, एनी ने स्टोन्स लगा के इसको डेकोरेट भी करा हुआ है इस पेंटिंग को, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये एक और ब्रश पेन से, जब एनी ने स्टार्टिंग ब्रश पेन यूज़ करने शुरू करे थे। और ये हमने पिछले साल गणेश चतुर्थी पे बनाई थी, कितनी ज़्यादा क्यूट सी ड्राइंग है ये। और ये एक और, ये एनी ने क्रियोन से कर रखी है इसमें, और पीछे बैकग्राउंड में वाटर कलर से, मतलब इसमें आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा क्योंकि ये एक प्लास्टिक शीट में है। और ये देखो, मतलब ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसके कलर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस पेंटिंग, मतलब इस ड्राइंग के। और ये वाली देखो, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, एक हाथ जो है ना, वो एनी ने यहाँ से कट कर दिया मार्जिन के चक्कर में। और फिर ये है, एक साइड में बनाई हुई है, यहाँ पे हमें गणेश जी लिखना है, जहाँ पे जितना स्पेस है वो भी लिखेंगे हम। और ये एक और चारकोल पेंसिल से बनाया हुआ स्केच, जब एनी ने शुरू शुरू में चारकोल पेंसिल से बनाना स्केचिंग करनी सीखी थी, उसका है। और फिर ये है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग गणेश जी की। और ये है हाफ त्रिशूल और हाफ गणेश जी के फेस की। और ये है लाइन वाली, ये मतलब इजी सी जल्दी बन जाती है। तो ये थी हमारी सारी ड्राइंग्स। और आपको हमारी ड्राइंग कैसी लगी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय।